Thank you.
सुनिरा को दे आप लोग सब यहाँ पर थे जब गणपति बाप्पा की, हमारे अनुपमा के गणपति बाप्पा की, डीकेपी के गणपति बाप्पा की, शाही प्रोडक्शंस के गणपति बाप्पा की राजन जी ने स्थापना की थी गणेश चतुर्थी के दिन। आज अनंत चतुर्थी के दिन राजन जी आउट ऑफ टाउन है, इसलिए हम सब ने उनके बिहाफ पे विसर्जन किया है बाप्पा का। और आपने खुद ने देखा कि माहौल कैसा था। हम दोनों तो यहाँ के ऑफिशियल एंथुकटलिट से हम दोनों तो रहते ही हैं, हमारे डायरेक्टर सारे यहाँ थे, रोमी सर, ऋषि सर, अभय, भीम सारे यहाँ थे, विवेक यहाँ थे, रंजीत जी यहाँ थे, तो सारे जो डीकेपी के पिलर्स थे वो सारे यहाँ थे, पूरी यूनिट हमारी, हमारा परिवार यहाँ था। हाँ, एक्चुअली हमारा जो हम अपने परिवार से ज़्यादा समय यहाँ बिताते, मैं तो खासकर महीने के 30 दिन यहाँ रहती हूँ, 14 घंटे दिन के, तो मैं, ये भी एक परिवार हो गया है। आई विश कि मेरे पति और मेरा बच्चा आ पाते, तो वो भी देखते, मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या देखता ही नहीं है सब, लेकिन सब इसको लेके जाऊंगी चौपाटी। जी, जिस तरह का प्यार आपके शो को मिलता है, आपके किरदार को मिलता है, पहले तू तो बोलो उसके बारे में क्या कहना चाहो, पापा से क्या कुछ आपने इस बार विशेष मांगा, पापा से क्या मांगे, बिन मांगे इतना कुछ दे दिया उन्होंने। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अनुपमा जैसा कोई शो मेरी जिंदगी में आएगा जो मेरी जिंदगी बदल के रख देगा, हम सबकी जिंदगी बदल के रख देगा। रिद्धि और सिद्धि के साथ में वो रहते हैं, और रिद्धि और सिद्धि की कृपा हमारी अनुपमा पे हमेशा बरकरार रहे, यही हमने मांगा है। थैंक यू गणपति पापा का। इतना जब बचपन में वो जाते थे, जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने बताया था कि 33 साल पहले मेरे घर में पहली बार गणपति पापा आए थे, इस साल 33 साल हुए हैं। तो जब वो जाते थे मैं बहुत रोती, ऐसे लगता था कि कोई फैमिली मेम्बर जा रहा है, तो हम सारे बच्चे बैठ के चौपाटी पे, शिवाजी पार्क चौपाटी पे बहुत रोते थे। आज अब जाके धीरे धीरे समझ में आया कि गणपति जा रहे हैं अपनी मम्मी के पास ताकि अगले साल वापस आ सके हमारे साथ, हमारी भक्ति देखने के लिए, हमारे लड्डू खाने के लिए, हाँ हमारे सेट पे, हमारे घर में कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए। तो ये बात अब जाके समझ में आई है। मैम आप क्या कहना चाहो, मैम को तो एक सवाल पूछो, मैम आप क्या कहना चाहोगे, काफी खुश लग रहे थे। बहुत 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 मजा आया, क्योंकि घर में ये उत्सव हमने ऑलरेडी मना लिया है, किसी के घर में 2 दिन के गणपति थे, 5 है, पर ये 10 दिन हमारे लिए इतना मजा आया। दो टाइम हमने आरती की है, हर हमारे एक्टर्स ने अलग अलग अपने प्रसाद बांटे हैं, और आज शाम को तो बहुत मजा आ गया, बहुत हमारा कॉफी आपने देखा हमारे सेट पे। इस सेट की खासियत ये है कि राजन जी हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डॉग्स को ऐसे भगा दिया, हमारी पूरी यूनिट डॉग्स को बहुत प्यार करती है, और राजन जी खासकर प्यार करते, जब प्रोड्यूसर ऐसा होगा तब जाके यूनिट करेगी ना। और आपने देखा कॉफी हर आरती में बैठता था, और अभी भी विसर्जन पे पूरा साथ साथ।
हाँ बट वो साथ में आती है, हमारे हर सबसे ज्यादा हर खुशी का वो हिस्सा बना, हर 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 खुशी का देखो आ गया, देखो आपकी आपकी वो आ गया, वो फाइट से ले आ गया, उनके लोगों ने प्यार बहुत दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी दो फिल्में चल रही है, विकीडानो वर्गोडो और हाई केम टू लंदन। गुजराती ऑडियंस प्लीज 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 बहुत बहुत प्यार करती है गुजराती ऑडियंस आपको, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा? बस अपनी भाषा के लोग, अपने मातृभाषा के लोग जब आपको प्यार करते हैं उससे अच्छा और क्या चाहिए। वो एक साथ में गणपति बप्पा। थैंक यू सो मच।